मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत के बाद यूपी के दूसरे जिलों में भी किसान पंचायत कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में हमीरपुर जिले में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया है, जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत के जरिए किसानों में जोश भरा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार केवल देश की संपत्तियों को बेचने पर तुली हुई है और धर्म के नाम पर राजनीति चमका रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ये न भूले कि भगवान राम हमारे हैं और हम उनके वंशज हैं। थोड़े से मुआवजे को देकर के उनको शांत कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? बुंदेलखंड में अलग पैकेज की जरूरत है। बुंदेलखंड में जब तक अलग पैकेज, बुंदेलखंड अलग से पैकेज नहीं आएगा, वो कोई भी सरकार हो, भारत सरकार, जब तक बुंदेलखंड में ऑर्गेनिक बोर्ड की घोषणा नहीं रहेगी, यहाँ के लोगों को लाभ नहीं होगा। हमने सरकार को कहा है कि बुंदेलखंड में ऑर्गेनिक बोर्ड की घोषणा हो, यहाँ का पूरा जो फसल है वे ऑर्गेनिक होती है और पूरी दुनिया में उसकी मार्केट है। यहाँ का गठिया गेहूँ 160 रुपए किलो तक दलिया चुका है यहाँ का, लेकिन यहाँ के किसान से 14 रुपए खरीदा लगता है। यहाँ पे जो खनन संपदा है उसमें बुंदेलखंड की हिस्सेदारी रहनी चाहिए। साथ ही राकेश टिकैत ने बुंदेलखंड की समस्याओं को लेकर राज्य की योगी सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में बेरोजगारी के आलम यह है कि यहां का नौजवान काम की तलाश में पलायन को मजबूर है, जबकि बुंदेलखंड में सबसे अधिक खनिज संपदा है और उसके बावजूद बुंदेलखंड वासी बदतर जीवन गुजार रहे हैं। राकेश टिकैत ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अगर नौजवान आज अगर घर से न निकलें तो कुछ समय बाद वो पूंजीपतियों के यहां निराई गुड़ाई करते नजर आएंगे। इस दौरान उन्होंने बुंदेलखंड को अलग पैकेज दिए जाने की मांग की। थोड़े से मुआवजे को देकर के उनको शांत कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? बुंदेलखंड में अलग पैकेज की जरूरत है। बुंदेलखंड में जब तक अलग पैकेज, बुंदेलखंड अलग से पैकेज नहीं आएगा, वो कोई भी सरकार हो, भारत सरकार, जब तक बुंदेलखंड में ऑर्गेनिक बोर्ड की घोषणा नहीं रहेगी, यहाँ के लोगों को लाभ नहीं होगा। हमने सरकार को कहा है कि बुंदेलखंड में ऑर्गेनिक बोर्ड की घोषणा हो, यहाँ का पूरा जो फसल है वे ऑर्गेनिक होती है और पूरी दुनिया में उसकी मार्केट है। यहाँ का गठिया गेहूं 160 रुपए किलो तक दलिया चुका है यहाँ का, लेकिन यहाँ के किसान से 14 रुपए खरीदा लगता है। यहाँ पे जो खनन संपदा है उसमें बुंदेलखंड की हिस्सेदारी रहनी चाहिए। यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, यहाँ पे विलेज टूरिज्म पॉलिसी वो देश यहाँ पे लागू हो। यहाँ पे उस तरह के पहाड़ और टूरिज्म प्लेस यहाँ पे हैं कि टूरिज्म से यहाँ पे बहुत पैसा आ सकता है। हमको टूरिज्म जो स्कूल है वे यहाँ पे खोले जाए, अपने लोगों को, बच्चों को उसमें पढ़ा जाए और बहुत जैसे पहाड़ पे हिल विलेज पॉलिसी है इनकी हिमाचल में और उत्तराखंड में, इसी तरह से बुंदेलखंड में भी विदेश टूरिज्म पॉलिसी पे काम हो तो यहाँ का जो नौजवान है उसको रोजगार यहाँ पर बहुत मिल जाएगा। गन्ना पर था और कर्जा माफी और अलग से बुंदेलखंड का पैकेज बनाए, इसी डिमांड के साथ हम बुंदेलखंड में आते रहेंगे, आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल पानी, ये जो योजनाएं हैं सरकारी योजनाओं को पूरा करें। यहाँ पे पानी बहुत है लेकिन पूरा पानी सौंपों में जाता है। योजनाएं बने, आंदोलन होंगे। इसमें आपको बता दें कि महापंचायत को लेकर सुबह से ही किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। पंचायत की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी। हमीरपुर से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट।